Good morning, students. How are you all? Hopefully, आप सारे बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, अपने घर में रहते होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप एक सबसे सुनते होंगे बात कि स्टे होम स्टे सेफ। तो कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग आजकल घर पे हैं, हमारे स्कूल भी क्लोज हैं, तो अब हम लोगों ने, क्योंकि आपने पहले अपना काम, आपको होमवर्क टास्क मिला था जो आपने होपफुली सारे बच्चों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और आप अपनी छुट्टियां जो हैं अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे, घर पे रहते हुए खेलते भी होंगे। तो अभी आप लोगों को कुछ वीडियोस जो हैं, आपको लेसन्स जो हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। होपफुली सारे बच्चों ने यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो कि सर ने और मैम ने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम सारे इजीली काम कर सकें उस पर और आप अपनी स्टडीज़ रेगुलर कर सकें। आई एम योर टीचर सोबिया एंड आई एम टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, ओके। एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेसन, आवर फर्स्ट क्लास। लुक एट योर बुक, इट्स योर इंग्लिश बुक एंड आवर इंग्लिश बुक नेम इज़ ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेसन एंड इट इज़ थर्सडे 2nd July 2020। और यूनिट नंबर 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आवर टॉपिक नेम इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे कि आप सारे बच्चे, आप सबको पता है फैमिली क्या होती है, व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली में कौन कौन होता है। फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, से हमारी मदर होती है, हमारी सिस्टर होती हैं, हमारे फादर होते हैं, हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी कुछ लोगों के उनके साथ रहते होते हैं फैमिली में, ब्रदर सिस्टर और सम टाइम्स जो हैं आपके कज़न्स भी आपके साथ फैमिली में रहते होते हैं। और फ्रेंड्स आप सबको पता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो दोस्त होते हैं हमारे, आप लोगों की अपनी क्लास में दोस्त होते हैं, कुछ आपके कज़न्स होते हैं जो फैमिली में होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक है, वो यूनिट नंबर 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट लेसन है, आप सारे बच्चों को अच्छे तरीके से पता है कि फ़र्स्ट लेसन के हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स कहते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके वर्ड्स, अब उन वर्ड्स के हम मीनिंग्स जो हैं वो लिखते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वर्ड्स दिखाती हूँ, बुक को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। इसी फर्स्ट लेसन के हमारे वर्ड्स हैं, मैं 1 by 1 वर्ड्स आपके सामने शो करूँगी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है फ्लाई, फ्लाई उड़ना, FLY, फ्लाई, फ्लाई उड़ना, FLY, फ्लाई, फ्लाई उड़ना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मोस्टैशेस, मोस्टैशेस, MOUSTACHES, मोस्टैशेस, मोस्टैशेस कहते हैं मूंछों को, मूंछें, मोस्टैशेस मूंछें, मोस्टैशेस मूंछें, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्लाई उड़ना, सेकंड वर्ड है हमारा मोस्टैशेस मूंछें। आवर थर्ड वर्ड इज ब्रेक, BREAK, ब्रेक तोड़ना, BREAK, ब्रेक तोड़ना। फ्लाई उड़ना,
मोस्टैशेस मूंछे ब्रेक तोड़ना नेक्स्ट वर्ड इज स्टिक STICK स्टिक STICK स्टिक स्टिक छड़ी छड़ी आपने देखी होगी ना समटाइम्स ओल्ड पीपल जो होते हैं चलने के लिए सहारा लेते हैं एक स्टिक का उन्होंने स्टिक हाथ में पकड़ी होती है उसके सहारे वो चल रहे होते हैं वो छड़ी स्टिक छड़ी स्टिक छड़ी मोस्टैशेस मूंछे ब्रेक तोड़ना स्टिक छड़ी Our next word is nonsense. Our next word is nonsense. Nonsense. N-O-N, non. S-E-N-S-E, sense. Nonsense, na samajh. Nonsense, na samajh. Nonsense, na samajh. Next word is, this is a new word for you, burglar, B-U-R-G-L-A-R, burglar, burglar, chor, burglar, chor, B-U-R-G-L-A-R, burglar, chor, ठीक है? Nonsense, na samajh. Burglar, chor. Our last word is quite. Our last word is quite. Q-U-I-T-E, quite. Quite, kafi, bahut. Quite means kafi, bahut. Quite, kafi, bahut. Like we use quite, I'm quite tall. मैं काफ़ी लंबा हूँ आई एम क्वाइट टॉल मैं काफ़ी लंबा हूँ आई एम क्वाइट हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ आई एम क्वाइट हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ अभी मैं वर्ड्स को एक दफ़ा फिर से आपके सामने रिपीट कर रही हूँ देखिए मोस्टैशेस मूंछे मोस्टैशेस मूंछे उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है Quite, काफ़ी बहुत Quite, काफ़ी बहुत Nonsense, nonsense, ना समझ Nonsense, ना समझ Burglar, B-U-R-G-L-A-R, burglar, चोर Burglar, चोर Quite, काफ़ी बहुत Nonsense, ना समझ Burglar, चोर Fly, उड़ना Fly, उड़ना Break, break, तोड़ना Break, तोड़ना Next, last word is stick, छड़ी Stick, छड़ी अब आप सारे बच्चों को पता है कि हम जब अपने वर्ड्स में याद कर लेते हैं उसके बाद हम कॉपीज पे काम करते हैं ठीक है आप मेरी कॉपी को देखें मैंने किस तरह से मार्जिन लाइन ड्रॉ की है आप सारे बच्चों ने भी बिल्कुल इसी तरह से नीट काम करना है और आप लोगों को ये पता है कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द कोरोना ख़त्म हो जाएगा और स्कूल एंड आवर स्कूल विल बी reopen then I will check your copies okay all your teachers will check your copies तो आपने अपना क्लास वर्क और होमवर्क बहुत नीटली करना है और स्पेशली पेरेंट्स भी यकीनन मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं काम करवा रही हूँ उसको देखिए और बच्चों को वीडियो जो है उसको एक से दो बार दिखाइए ताकि वो उस राइटिंग को फॉलो करें स्पेशली उनकी राइटिंग उनका डे एंड डेट का पैटर्न उन्होंने पेज कैसे रेडी करना है मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये चीज़ें वो वीडियो को
देखें बार बार और सेम ऐसे ही करें जैसे टीचर ने किया है. ओके, आई एम राइटिंग डे एंड डेट विद ब्लैक पॉइंटर, बट आप लोगों ने लेड पेंसिल से अपना काम करना है. मैं सिर्फ आपके लिए ये लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके. टुडे इज थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे. ठीक है, थर्सडे 2nd July, जे यू एल वाई, 2nd July 2020. And the opposite side, write classwork. Okay? Unit number 1, capital U M I T. And capital U didn't have tail. And please don't join any capital letter with small letter. ठीक है ना, capital letter को small letter के साथ join नहीं करते हैं. Unit 1 एंड पेजेस ऑपोजिट साइड पे हमने लिखना है कैपिटल पी ए जी ई एस, पेजेस 229. ओके, नाउ हम अपना टॉपिक लिखेंगे. ठीक है, एंड आवर टॉपिक नेम इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैपिटल एफ A M I L Y, family. Take one finger space and then write, and take one finger space and write capital F R I E N D S, friends. फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, सारे बच्चों को होपफुली क्लियरली नज़र आ रहा होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड आवर फर्स्ट लेसन इज वर्ड्स. मीनिंग्स कैपिटल एम ई ए एन आई एन जी एस, meanings, words meanings. First, number 1, center वाली two lines के अंदर आपने इस तरह से number 1 लिखना है, like me. ठीक है ना, फिर आपने ये छोटे से आगे इसके line लगानी है. और जब हम words meaning लिखते हैं तो उसके center में हम बिल्कुल straight line draw करते हैं. Okay, our first word is stick. S T I C K, stick. Stick means chadi. Stick means chadi. Next, number 2. और 2 भी आपने ऐसे ही सेंटर वाली 2 लाइंस में लिखना है. आगे आपने इस तरह से डैश लगानी है. स्टिक के बाद सेकंड वर्ड है, आवर सेकंड वर्ड इज ब्रेक, बी आर ई ए के, ब्रेक. ऑन द ऑपोजिट साइड विल राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तोड़ना. ब्रेक तोड़ना, ब्रेक तोड़ना. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाई, एफ L Y, fly. अपने Y को इसी तरह यहाँ से टर्न करना है. ओके, F हमारा 4 लाइन्स पे है, L 3 लाइन्स पे, और Y की ये लास्ट लाइन से टर्न करके आपने J लेके जानी है. फ्लाई उड़ना. तो ये पेश लगाए हमने, ले लिखना उड़ना, फ्लाई उड़ना. नेक्स्ट नंबर 4, next word is burglar, b u r g l a r, burglar.
burglar, chor, burglar, chor. Number 5, ये नंबर इसी तरह सेंटर वाली टू लाइंस में लिखना है. और नेक्स्ट वर्ड इज नॉनसेंस, एन ओ एम एस ई एन एस ई, नॉनसेंस. नॉनसेंस मीन्स ना समझ. नॉनसेंस ना समझ. नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 इज क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट. क्वाइट मीन्स काफी या बहुत. क्वाइट काफी या बहुत. नेक्स्ट वर्ड इज मॉस्टैशेस, एम ओ यू एस टी ए सी एच ई एस, मॉस्टैशेस. Mustaches means moonche. Mustaches moonche. ठीक है. Words जो मैंने लिखे हैं मैं वो repeat कर रही हूँ आपके सामने. Stick, छड़ी, ठीक है. ब्रेक, तोड़ना. फ्लाई, उड़ना. नेक्स्ट बर्गलर, चोर. नॉनसेंस, ना समझ. क्वाइट, काफी. मॉस्टैशेस, मूंछे. मॉस्टैशेस, मूंछे. होपफुली सारे बच्चों को अच्छी तरह ये वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे कि उन्होंने किस तरह से ये वर्ड्स जो हैं इनको करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये आपका क्लास वर्क है, आपने बिल्कुल इसी तरह से वर्ड्स मीनिंग करने हैं जैसे कि मैंने लिखे हैं. इसी तरह से आपकी नंबरिंग होनी चाहिए, मार्जिन लाइन प्रॉपर होनी चाहिए. डे एंड डेट आपने लिखनी है आज की, क्योंकि आज का आपका लेसन है थर्सडे 2 जुलाई का हमारा फर्स्ट लेसन है. तो पहला आपका क्लास वर्क ये है, फर्स्ट क्लास वर्क. तो आपने ये अपनी कॉपी पे, नीट कॉपी पे ऐसे ही लिखना है. यूनिट नंबर 1 पेजेस, टॉपिक एंड देन वर्ड्स मीनिंग्स. ओके, अब हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग्स के बाद कि एक तो इन वर्ड्स की मीनिंग्स जो हैं आप सारे बच्चों को अच्छी तरह आनी चाहिए. इन वर्ड्स की डिक्टेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए. इन वर्ड्स को मैं एंड पे अभी आपको फिर से एक दफ़ा फ्लैश कार्ड से दोबारा से बता देती हूँ, इसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ. इससे पहले मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ. जिस तरह आपने इस कॉपी पे क्लास वर्क किया है इसी कॉपी का आप ये देखें सामने आपका नेक्स्ट पेज आ रहा है. मार्जिन लाइन आप ड्रॉ करेंगे. आप यहाँ पे SWO मेंशन करेंगे. ओके, जैसे फर्स्ट आपका वर्ड है स्टिक, ठीक है. आप यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपना टॉपिक लिख लें या आप यहाँ पे लिख लें राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, WRITING राइटिंग प्रैक्टिस, PRACTICE, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस. अब जब आपने राइटिंग प्रैक्टिस लिख ली है फर्स्ट पे, ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड हमारा है स्टिक,
आपने देख के क्लास वर्क से फर्स्ट वर्ड स्टिक लिख लिया, ठीक है। आपने देखना है कि टीचर ने कैसे लिखा है, आपने ऐसे ही लिखना है। इसी वर्ड को सेकंड टाइम लिखें, इसी वर्ड को थर्ड टाइम लिखें। आपको इस काम से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप लोगों को स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरह से सारे बच्चों को याद हो जाएंगे, आप वो स्पेलिंग भूलेंगे नहीं, और जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ये स्पेलिंग्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे, ओके। एंड ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये आपको हेल्प करेगी आपकी राइटिंग अच्छी करने में, जो कि आप क्लास अभी इसमें आप देखेंगे कि आपकी टीचर ने कैसे लिखा है, सेम ऐसा ही लिखेंगे, ऐसे ही प्रॉपर लाइंस पे आप अपनी पेंसिल को अच्छी तरह से शॉर्प करके प्रॉपर तरीके से नीट एंड जो आपकी करेक्ट फॉर्मेशन है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो टीचर ने आपकी डे एंड डेट के साथ जितना क्लास वर्क और होमवर्क दिया है वो आपका चेक करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला सारे बच्चे ये काम अपना कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। इसी तरह से बाकी वर्ड्स की भी नंबरिंग करके आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो सारे बच्चे अब इस काम को अच्छे तरीके से करें। इस वीडियो को मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे जब काम करें तो उनको साथ साथ देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी राइटिंग कैसे है, वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी तब तक आप अपना फर्स्ट लेसन बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके होंगे और प्रिपेयर कर चुके होंगे। अपने घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।